हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझाने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पूछा था आखिर ये एनपीए होता क्या है, अगर ये एनपीए हो जाता है तो तब क्या हो सकता है, कंपनी क्या एक्शन ले सकता है। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं ये एनपीए क्या है, या फिर पता भी होगा तो उन लोगों के मन में डर होता है, क्योंकि बहुत सारे जगह से सुनने को मिलता है एनपीए हो गया है, आपका अकाउंट एनपीए में डाल देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बहुत सारा चीज़ें जो है आप लोगों को सुनने को मिलता है। तो आज आप लोगों को बताने वाला हूँ एनपीए होने के बाद आखिर होता क्या है और आखिर ये एनपीए है क्या। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिना स्किप किए डिटेल वाइज आप लोगों को समझाने वाला हूँ, लिख के समझाऊंगा ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आए, क्योंकि बहुत दिनों से मैं अपना फेस नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ, वीडियोज़ बना रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि फेस दिखाने से अच्छा है वीडियोज़ को जो है समझाना, ठीक है, लिख के समझा रहा हूँ, तो इससे लोगों को अच्छी तरीके से जो है आप जो भी लोग वीडियोज़ देख रहे हो सभी को जो है समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है, जिसकी वजह से जो है आप लोग एंगेजमेंट भी ज़्यादा कर रहे हो, वीडियोस देख भी रहे हो, ठीक है। तो इसलिए सोचा कि मैं फेस वीडियोस भी लाऊंगा, ऐसा नहीं कि फेस वीडियोस नहीं लाऊंगा, ये वीडियोस जो भी है इस तरीके का वीडियोस अगर लाऊंगा तो क्या होगा, आप लोगों को समझ में आएगा अच्छी तरीके से। दोस्तों, अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आज आप लोगों को बताने वाला हूँ एनपीए के बारे में। एनपीए आखिर है क्या? एनपीए एक बैंकिंग टर्म है, इसको बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये जो भी है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट कुछ समझ में आ रहा है, मतलब परफॉर्म नहीं किया जा रहा है, मतलब क्या है ये? जो भी सबसे पहले आपको समझना होगा, ये एनपीए का टर्म जो भी है यूज़ क्यों हो रहा है। देखिए, बैंक या फिर एनबीएफसी, बैंक से आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। बैंक जो भी है आप लोगों को पैसा देता है एज ए लोन, ठीक है, समझो चीज़ को, बात को। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? जो भी डिपॉजिटर होता है, ठीक है, डिपॉजिट क्या करते हैं, यहाँ पर पैसा बैंक में आप लोग रखते हो जो भी पैसा। अब उसमें क्या होता है, मानो कि आप 1,00,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए, ठीक है। अब 1,00,000 में क्या हुआ, आप लोग देखेंगे कि ईयरली जो है आपको एक इंटरेस्ट मिलता है, कभी 200, कभी जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट अलग अलग तरीके का बैंक में होता है। तो ये 200 रुपये जो इंटरेस्ट आपको दे रहा है, ये 200 रुपये क्यों दे रहा है? आप ये बैंक में पैसा क्यों रख रहे हो? सबसे पहला चीज़ यहाँ पर ये आ रहा है, बैंक में जो भी पैसा आप रख रहे हो वो आप मानो एक अमाउंट है सेफ रखने के लिए, आप बाहर रखोगे कोई दिक्कत हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, चोरी डकैती हो सकता है, पैसा खो भी सकता है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि बैंक जो है एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप सेफली आपका पैसा रख सकते हो, सेफली अभी नहीं है, बहुत बड़ा बैंक अगर होगा तो सेफ होता है, लेकिन अगर मैं छोटा मोटा बैंक में अगर आप वहाँ पर पैसा रखते हो तो कभी कभार जो भी है सुनने को मिलता है बैंकरप्सी में चला जाता है, और क्या होता है, मानो कि आप 10,00,000 रुपये रखे होंगे और वहाँ पर आपको मिला कितना, 5,00,000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आप लोगों को बैंकरप्सी में अगर कोई भी बैंक चला जाता है, तो वो बात अलग है। लेकिन मानो आप पैसा रखते हो, पैसा रख क्यों रहे हो, या फिर जो भी है वो पैसा आप लोग वहाँ पर दोगे क्यों उन लोगों को, उसके बेसिस में आप लोगों को पैसा भी मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। पैसा मतलब घर पे रखोगे तो कोई काम नहीं आएगा, नुकसान ही होगा। तो यहाँ पर बैंक में क्या हो रहा है, ये जो पैसा आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, ये पैसा कहाँ से मिल रहा है? ये जो पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हो ना, इसी पैसे को जो है वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी अलग अलग जगह पर, जैसे कि लोन के तौर पर लोगों को दे रहा जा रहा है, या फिर जो भी है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर जो भी है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा जो भी है कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, मल्टीपल जगह से बैंकों का जो है यहाँ पर बिजनेस चल रहा है, पैसा इनकम हो रहा है। अब उसी पैसे से क्या हो रहा है, आप तो वहाँ पर पैसा उन लोगों को दे रहे हो बिजनेस करने के लिए, तो आपको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, तो वो इंटरेस्ट के तौर पर आपको कुछ पैसा प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मानो ये जो भी लोन बैंक आपको प्रोवाइड करते हैं, ये बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं ना, ये बैंक का जो है एक एसेट है। ये एसेट क्यों मैं बोल रहा हूँ, लोन एक एसेट होता है, ठीक है, बैंक का एक एसेट होता है, क्योंकि इस लोन से उनको प्रॉफिट हो रहा है, उनको इनकम जनरेट हो रहा है। मानो कि आप लोगों को दिया 1,00,000 का लोन, ठीक है, समझो बात को, 1,00,000 का लोन दिया है। अब वही 1,00,000 से, तो वही 1,00,000 तो आप वापस नहीं करोगे, वहाँ पर आपको देना पड़ेगा 1,20,000। मतलब क्या है, 20,000 जो है वो एक्स्ट्रा इनकम बैंक का, वो जो 1,00,000 रुपये आपको दिया वो पैसा जो है डिपॉजिटर का था, ठीक है, वो पैसा इन्वेस्ट किया लोन के तौर पे और आप लोगों से एक्स्ट्रा 20,000 ले लिया, और वो 20,000 जो है वो बैंक का प्रॉफिट हो गया। अब उसी 20,000 से क्या हुआ, जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को जो भी है एज ए इंटरेस्ट के तौर पे लोगों को देता है। अब यहाँ पर जो भी 20,000 का अमाउंट है वो बैंक को मिल रहा है, मतलब बैंक का इनकम हुआ, इनकम सोर्स मतलब वो एसेट है, ठीक है, जहाँ से पैसा इनकम होता है उसको एसेट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मानो अगर एसेट है, अगर एसेट से कोई भी परफॉर्मेंस नहीं मिलता है, मानो कि आपने लोन लिया था 1,00,000 का और आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, 3-4 महीने आपने पेमेंट नहीं किया, मतलब 3-4 महीने से ईएमआई नहीं आया बैंक के पास, अब तब क्या हुआ कि बैंक के पास जो भी ईएमआई आ रहा था मंथली बेसिस में, मतलब उनका प्रॉफिट इनकम हो रहा था, लेकिन इनकम बंद होने से क्या हुआ, वो एक लायबिलिटीज़ में आ गया,
ठीक है, ये जो भी है कॉमर्स का जो भी है पढ़ाई होता है, तो यहाँ पर सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, अगर मानो कोई भी परफॉर्मेंस आपकी तरफ से नहीं आ रहा है, मंथली ईएमआई आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो क्या बोलते हैं कि आपके तरफ से कोई भी परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, इसलिए बोला जाता है नॉन परफॉर्मेंस एसेट। ये जो भी एसेट आप लोगों को दिया जा रहा है वो नॉन परफॉर्मेंस हो चुका है, मतलब एनपीए हो चुका है, ठीक है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट। तो यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, आपका खाता लॉस के स्टेटमेंट में दिखा देते हैं, आपका उनका जो भी है एसेट से निकाल के बैलेंस शीट से हटा के जो भी है लॉस के स्टेटमेंट में दिखा देते हैं, ठीक है। वो लोग दिखा देते हैं कि भाई ये 1 लाख का जो भी अमाउंट था ये हमारा लॉस हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो लॉस में दिखा देगा तो आपका जो भी है लोन माफ़ हो गया, लोन नहीं ये करेगा, वो दिखाता क्यों है, क्योंकि बैंक के मंथली बेसिस में या फिर क्वार्टर हाफ में या फिर एनुअली जो भी ईयर एंड में एक ऑडिट होता है, ठीक है। ऑडिट के बेसिस में वो लोग देखता है कि कितने इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, सब दिखेगा। अब उसमें क्या होता है कि सब चेक करेगा कि इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, इतना इनकम हुआ, इतना लॉसेस हुआ, अगर लॉसेस में दिखने को मिलेगा इतना अमाउंट लॉस हुआ है तो वो ऑडिट में जो है वहाँ पर मिसमैच करेगा, तो वो लोग क्या करते हैं उस चीज़ को लॉस में दिखा देते हैं कि भाई ये हमारा लॉस एसेट में है, ये हमारा कोई भी मतलब बैलेंस शीट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इस तरीके का जो है यहाँ पर बोला जाता है। तो ऑडिट उसी तरीके से होता है। अब वो पैसा जो भी लॉस स्टेटमेंट में जाता है, आप लोग सुने होंगे ARC, आपने नाम सुना होगा, ARC कंपनीज को ये लोन बेच देते हैं, मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, यहाँ पर ARC होने वाला है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है, ये भी RBI से लाइसेंस है, ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही आ रहा है, फाइनेंस जो भी काम करते हैं वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो, बैंक हो या फिर NBFC हो, जो भी हो, RBI से जो है लाइसेंस लेना पड़ता है तभी ये लोग काम कर सकते हैं। अभी कंपनी क्या करते हैं, बैंक के साथ टाई अप करते हैं, बैंक पैसा वापस नहीं ले पाता क्योंकि बैंक के पास इतना पैसा मतलब टाइम नहीं है, इतना एम्प्लॉय नहीं है कि भाई वो बैंक जो है खुद से उसका रिकवर करे। बैंक को लग रहा है कि मैं यहाँ पर 10 लाख लोन किसी को दिया है मैंने, अगर वो 10 लाख का अमाउंट पेमेंट नहीं कर पा रहा है पूरा 10 लाख, से अच्छा है कि ARC को बेच के अगर वहाँ से मिल जाता है 6 लाख ही मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, या फिर 4 लाख मिल जाता है वही बढ़िया, पूरा जाने से अच्छा है थोड़ा बहुत मिल गया, अगर वो पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करूँगा तो पैसा तो मिलेगा ना वहाँ से। तो वो ARC कंपनी क्या करते हैं, बैंक से एक अच्छे डील में खरीद लेते हैं वो लोन, ठीक है। लोन खरीदने के बाद वो ARC कंपनी आप लोगों को परेशान करना चालू करेगा, बैंक वाला छोड़ देगा, वो ARC आप पूरा हेडेक ले लेगा, पूरा कंपनी का जो भी है वो हेडेक लेके वो काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर NPA का मतलब होता है कि नॉन परफॉर्मेंस एसेट या नॉन परफॉर्मेंस एसेट कब होता है, जब आप लगातार 3 EMI बाउंस करते हो। मानो कि आपने जनवरी को मंथ का जो है EMI बाउंस कर दिया, फरवरी का जो है बाउंस कर दिया और मार्च का जो है बाउंस कर दिया, ठीक है। लगातार 3 महीना आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका अकाउंट खाते में जो है NPA में चला जाता है। यहाँ पर NPA में अगर मानो कोई भी अकाउंट जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत भी और होता है। क्या होता है, मानो कि NPA का 3 महीने के बाद अगर आप पेमेंट करना चाहते हो, किसी भी लोन का अगर खाता खोलना चाहते हो, तो वहाँ पर डायरेक्टली अगर आप बिना पूछे अगर आप पेमेंट कर दोगे तो वहाँ पर दिक्कत क्या आएगा पता है, कि ये जो भी 3 महीने का आपका अकाउंट ऑलरेडी जो है वो होल्ड हो चुका है, अब पेमेंट जो भी करोगे वो पैसा जो है आपका बर्बाद हो जाएगा, वो पैसा जो भी है वो आपका पेनल्टी में लगा देगा, ये सब करके आपका पैसा जो है हज़म कर देगा। तो यहाँ पर मानो NPA के बाद अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो वहाँ पर बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा या फिर NBFCs के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उन लोगों को बोलना पड़ेगा कि मैं जो है पेमेंट करना चाहता हूँ, NPA जो भी हो गया है उसके बाद जो है मैं पेमेंट यहाँ पर जो भी है बाकी का रिमेनिंग मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, जिस तरीके से EMI चल रहा था। तो वो क्या करेगा, रिस्ट्रक्चर करेगा लोन का, ठीक है, NPA के बाद वो रिस्ट्रक्चर करेगा, फिर से लोन का जितना भी आउटस्टैंडिंग लोन है सब कुछ देखेगा और रिस्ट्रक्चर करके फिर से जो है लोन तैयार करेगा आपके लिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा नहीं लोन जो है वो पेमेंट करोगे 3-4 महीने के बाद, ऐसा नहीं हो सकता, होता नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये NPA 3 महीने के बाद होता है। बहुत सारे लोग आपको डराने के लिए बोलते हैं कि NPA हो जाएगा तो आपके साथ ये होगा वो होगा, ये एक बैंकिंग टर्म है, आप लोगों को डराने का टर्म नहीं है, आप लोगों को सिर्फ इसके थ्रू यूज़ करते हैं और डराते हैं। ये कौन करते हैं, रिकवरी एजेंट, चवनी छाप एजेंट, इनको पता ही नहीं है, इनको पता नहीं है या फिर पता भी होगा तो लोगों को पता नहीं है, तो इसका फ़ायदा ही वो लोग उठाते हैं और लोगों को डराते हैं, बोरोवर्स को डराते हैं, ठीक है। बोरोवर्स जो है इनको थोड़ी पता है कि भाई इतना टर्म्स एंड कंडीशंस, इतना टर्म्स होता है, इतना बैंकिंग ये होता है, रूल्स रेगुलेशंस होता है, ये सब चीज़ें हैं, ये सभी को नहीं पता होता है, तो इससे क्या होता है लोग डर जाते हैं और इसी का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं, क्योंकि इनको भाई पैसे से मतलब है, इनसे भाई लोग मरे जिए कुछ भी करे भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको भाई टाइमली पैसा मिल जाए बस, इससे काम खत्म। तो यहाँ पर NPA से आप, आई होप कि आप लोगों के मन के अंदर जो भी डर था वो खत्म हो गया होगा। NPA कोई भी ऐसा तीसमार खान नहीं है या फिर जो भी है आप लोग डरते हो, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, NPA सिर्फ एक बैंकिंग टर्म है, ठीक है, बैंकिंग टर्म है, जिसको यूज़ करते हैं वो लोग समझने के लिए भाई ये जो भी पैसा मेरे पास आ रहा था इनकम के सोर्स पे, वो पैसा आना बंद हो गया है, अब वो नॉन परफॉर्मेंस एसेट हो चुका है, ठीक है। ये हो गया NPA।
अब यहाँ पर लोग डरते हैं, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पर एनपीए होने पर भी आप लोगों को डरना नहीं है। यहाँ पर एनपीए अगर हो जाता है अकाउंट तो होने दीजिए, अगर एनपीए के बाद अगर आपको पेमेंट करना है तो बैंक या फिर एनबीएफसी के साथ बात करिए, ठीक है, एनबीएफसी के साथ बात करिए और फिर जो है रिस्ट्रक्चर करके लोन को आप फिर से चालू कर सकते हो। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एनपीए होने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी ऐसा होता नहीं है, बस आप लोगों को डराता है कि एनपीए हो गया वो हो जाएगा। भाई लोग जो है 2 साल तक पेमेंट नहीं करता है तो उनका अकाउंट एनपीए नहीं होता, सुपर एनपीए हो गया उनका, समझ रहे हो आप लोग, सुपर एनपीए, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सुपर एनपीए मतलब आप लोग समझो 3 महीना कहाँ और 2 साल कहाँ, आप लोग चीज़ को समझो। तो यहाँ पर अगर कुछ करना होता तो वो पहले ही कर देता, ठीक है, लेकिन आज तक अभी तक किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। 2019 से चलता आ रहा है, 2024 हो गया है, मिडिल ऑफ द ईयर हो चुका है, ये भी साल खत्म हो जाएगा, 2025 आ जाएगा, इस तरीके से साल निकलते जाएगा और इस तरीके से आप लोग डरते जाओगे, मतलब ये लोग डराते जाएगा और आप लोग डरते जाओगे। तो आप लोगों को बोल रहा हूँ जितने भी साल आए जो भी हो, आप लोगों को एक ही चीज़ करना है, आप तो कभी भी कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके का जानकारी दे पाया हूँ, समझ में आ गया होगा एनपीए अगर होता है तो क्या होगा, एनपीए होने के बाद क्या होता है, एनपीए का मतलब क्या है, सारा कुछ आप लोगों को क्लियर कर दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब बटन भी प्रेस करना ना भूले, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है, तभी क्या होगा लोगों को भी पता चलेगा इस तरीके से चीज़ें हो रहा है। तो तब तक के लिए चलते रहो भाई, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।